हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसी रहस्यमय मज़ार दरगाह की ज़ियारत कराने वाला हूं, जो काफ़ी करामती और यहां पे सात बावड़ी का एक रहस्य जुड़ा हुआ है। यहां पे सात बावड़ी का पानी लिया जाता है, उस पानी को कैसे यूज करना है और क्या करना है, सात बावड़ी का क्या रहस्य है, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करना और वीडियो को पूरा देखने के बाद आगे से आगे शेयर जरूर करना। और ये पांच पीर बाबा की दरगाह कहाँ पे है मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करना, क्योंकि इन सात बावड़ियों का पानी एक रहस्य की तरह जुड़ा हुआ है, इससे काफ़ी बड़ी समस्याएं दूर होती है। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊँगा कि किस प्रकार से क्या सीन है यहाँ का, पूरा आसपास का नज़ारा बताऊंगा यहाँ के। तो दोस्तों अगर चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और आगे शेयर करना, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो हम लाते हैं। तो दोस्तों चलते हैं और आपको मैं ज़ियारत कराता हूँ पांच पीर बाबा की जो दरगाह है उधर की, और यहाँ का काफ़ी रहस्यमय करामती पानी माना जाता है, जो कि सात बावड़ी का पानी बोलते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास सात बावड़ी, क्योंकि आज के टाइम में बावड़ी मिलना बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि अगर आप सिटी में रहते हो तो सात बावड़ी का पानी कहाँ से लाओगे। अगर सात कुओं का पानी भी हुआ तो भी चलता है, और अगर कुएँ भी नहीं होते तो आपको सात हैंडपम्प का पानी भी चलता है। ऐसा माना जाता है कि उस दरगाह में जाकर के आप जो भी ज़ियारत करते हो, ज़ियारत करने के बाद वहाँ पर आपको दरगाह के ऐसे घूमना पड़ता है एक बार उस पानी को लेकर के, और उस पानी की करामत ये रहती है कि अगर आपके ऊपर कुछ भी किया कराया हो, कोई भी अल्लाह या भला ऐसी कोई चीज़ होती है, ये मानने पर ही डिफेंड। दोस्तों उस दरगाह में ज़ियारत करने के बाद में, उस पानी को लेकर के घूमने के बाद में, उस पानी की अहमियत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। उस पानी से सभी प्रकार की बीमारियों, जो भी दुख तकलीफ होती है वह दूर होती है, और जिनों की अगर शादी नहीं हो रही होती है और अगर आप उसको घर में रखते हो उस पानी को, तो सभी जो इनके काम काज ऐसे चलते हैं उनमें भी बरकत होती है, ऐसा माना जाता है वहाँ के लोगों के अनुसार। तो दोस्तों मैं आज आपको ज़ियारत कराने वाला हूँ और पूरी तरीके से बताऊँगा। दोस्तों सिर्फ इसमें पाताल का पानी चाहिए, बावड़ी का नाम दिया गया है लेकिन इसमें पाताल का पानी चाहिए। अगर बावड़ी नहीं हो तो कुआ है, कुआ नहीं हो तो हेडपम्प का, मतलब सात जगहों का पानी होना चाहिए अलग अलग। तो चलिए फ्रेंड आपको मैं ज़ियारत कराता हूँ और दिखाता हूँ किस प्रकार का नज़ारा है वहाँ का। ये आप अब वीडियो में देख रहे होंगे कि पाँच पीर बाबा की जो दरगाह है वहाँ पर मैं आपको ले आया हूँ और आपको ज़ियारत करा रहा हूँ। दोस्तों यहाँ की करामत काफ़ी बढ़ी रही है, ऐसा माना जाता है यहाँ पे अगर जो बे औलाद होता है उनको भी यहाँ पे ज़ियारत करने से औलाद की प्राप्ति होती है। दोस्तों हालांकि एक बहुत बड़ा करिश्मा अजमेर शरीफ में मौजूद है, जो कि बूंदी का पेड़ है, हजरत मीरा सैयद हुसैन साहब की जो दरगाह है वहाँ पर उनका करिश्मा काफ़ी बड़ा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे भी ऐसा करिश्मा माना जाता है। तो दोस्तों मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कि ये दरगाह आपको कहाँ मौजूद है और कहाँ मिलेगी। पहले आपको मैं ज़ियारत करा देता हूँ और आप भी ज़ियारत कर लीजिए, काफ़ी बढ़िया नज़ारा है यहाँ का। तो आप ये देख सकते हो किस प्रकार से ये पांचों पीर एक साथ है, यहाँ पे दूर दूर से जायरीन आते हैं और यहाँ पे ज़ियारत करते हैं और सभी की मन्नतें पूरी होती है, और ज़्यादा मशहूर सात बावड़ी के पानी के नाम से ये दरगाह मशहूर है यहाँ पे। तो यहाँ पे सात बावड़ी का पानी अगर आपको, अगर आप मानते हो तो ही लाना है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि नहीं मानने वालों के लिए कुछ भी नहीं है और मानने वालों के लिए बहुत कुछ है। तो मैं आपको पहले ज़ियारत करा देता हूँ और आपको बताऊँगा ये दरगाह कहाँ पर। तो दोस्तों आपने ज़ियारत कर ली होगी, ये दरगाह यूपी के अम्बाला में स्थित है, जो कि काफ़ी मशहूर दरगाह है, पांच पीर बाबा के नाम से मशहूर है। आपको अगर यहाँ पे आना है तो यूपी के अम्बाला में कहीं भी पूछ लेना पांच पीर बाबा की दरगाह कहाँ है, कोई भी बता देगा। इसी दरगाह का रहस्य सात बावड़ी के पानी से जुड़ा हुआ है, जो काफ़ी करामाती पानी बन जाता है, यहाँ पर लाने के बाद में किसी भी प्रकार की दुख तकलीफ यहाँ से दूर होती है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो पूरा देखने के बाद आगे से आगे शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।